हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैस। एंड आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नाउन एंड नंबर्स टॉपिक को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले टुडेज थॉट, इफ यू वांट टू लीव अ हैप्पी लाइफ टाइड टू गोल्स नॉट टू पीपल और थिंग्स। अगर आप जिंदगी में एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको गोल्स डिसाइड करने होंगे लाइफ में, और वो जो आपके गोल्स होंगे वो ही आपको लाइफ लॉन्ग साथ रहने वाले, ना कि लोग और चीज़ें। अक्सर लोग आते रहते हैं लाइफ में, जाते रहते हैं चीज़ें लाइफ में। आप कभी भी अचीव कर लोगे, कोई कभी भी चीज़ें आप छोड़ दोगे, लेकिन जो लाइफ में आपके गोल्स हैं जो आपने डिसाइड किए हैं, और जो गोल्स तक आप, जो डेस्टिनेशन पॉइंट आप डिसाइड करते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो वो आपकी एक हिट लिस्ट बन जाती है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपसे एक जीके क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीडियो में, उसके अंदर मैं नाम लेना चाहूंगी यहाँ पे राजेंद्र महला जी का, जिन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से, ब्यूटीफुली वे में राइट किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं दोबारा से राजेंद्र महला जी का नाम लेती हूँ इस वीडियो में। मैंने आपसे बोला था कि जो भी वीडियो में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर्स का पहले कमेंट करके बताएगा, मैं उसका नाम लूँगी। तो वो मेरा क्वेश्चन जो था वो था कि आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो वो अगस्त में ही मनाया जाता है, 9 अगस्त उसका आंसर है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउन नंबर्स सिंगुलर एंड प्लूरल। पहले हम सिंगुलर एंड प्लूरल होते क्या इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और वन थिंग। एक पर्सन और एक थिंग को डिनोट करें वो सिंगुलर, सिंगल से सिंगुलर बनाए, ठीक है। एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, काउ, बर्ड एक्सेट्रा। प्लूरल, प्लूरल वो होते हैं जो मोर देन वन थिंग होते हैं या मोर देन वन पर्सन होते हैं, जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स, काउस, ट्रीज। चलिए अब इसमें हम आगे देखते हैं कुछ ऐसे नाउन्स जो हम जनरली स्पेलिंग में मिस्टेक कर ही देते हैं। वो कुछ नाउन्स इस तरह से हैं, जैसे एम ए एन, मैन। प्लूरल में इसका एम ई एन हो जाएगा। वुमेन सिंगुलर है, प्लूरल में इसका डब्ल्यू ओ एम ई एन वुमेन हो जाएगा। फुट पैर के लिए, प्लूरल इसका फीट हो जाएगा। टूथ सिंगुलर के लिए, प्लूरल टिथ हो जाएगा। लाउस जो होता है वो जुए होती हैं, यानी कि लाउस मतलब एक जू, लाइस मतलब अनेक जू, गूज मतलब एक हंस, गीज मतलब अनेक हंस, चाइल्ड मतलब बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बच्चे। देखिए जो चाइल्ड है यहाँ पे बच्चे हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, जैसे चिल्ड्रंस कर देंगे, इसके चिल्ड्रन के बाद में एस लगा देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। चाइल्ड मतलब होता है एक बच्चा, और चिल्ड्रन मतलब होते हैं अनेक बच्चे। ओक्स, ऑक्सन, ये आपको पता ही है। डू नॉट चेंज इन प्लूरल्स। अब ये कुछ ऐसे प्लूरल्स होते हैं जिनके अंदर सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम टू सेम होते हैं। हम अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे डियर, तो डियर डियर ही रहेगा, शिप शिप ही रहेगा। फिश जो है, फिश अगर एक ही प्रजाति की, चाहे हजार फिश हो, उसके लिए हम फिश ही यूज करेंगे। लेकिन फिश जो होगी, अगर उसकी प्रजाति डिफरेंट होगी, सपोज कीजिए गोल्डन फिश है, कोई शार्क है, या फिर कोई भी फिश है, टोड है, या फिर कोई भी प्रजाति है उसकी अलग अलग, तो जब एक से अधिक प्रजाति की हम बात करेंगे तो वहाँ फिशेस को यूज करेंगे। वैसे ही स्वाइन मतलब होता है सुअर का बच्चा, थाउजेंड थाउजेंड ही रहेगा, हंड्रेड हंड्रेड ही रहेगा। आगे बात करते हैं मीन्स की। मीन्स का मतलब दोनों, एक तो मीन्स एक रिसोर्स, एक सोर्स के लिए यूज होता है मीन्स, और एक वेल्थ के लिए यूज होता है, तो वो प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है उसके यूज के ऊपर कि वहाँ उसको कैसे यूज किया जा रहा है। अगर इन टर्म्स ऑफ वेल्थ है तो वो प्लूरल यूज होगा, लेकिन अगर सोर्स के लिए यूज हो रहा है तो वो सिंगुलर की जैसे यूज होगा। तो मैंने ये जो सिंगुलर के लिए एक एग्जाम्पल दिया है नीचे, आगे हम इसमें देखेंगे कि नाउन्स
कैन नॉट बी यूज विदाउट एस. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो बिना एस के यूज ही नहीं होते. अब वो कौन से नाउन्स है, जैसे ट्राउजर्स हो गया, ट्राउजर्स में दो दो पैर के वो पैंट्स, जैसे हम पैंट्स पहनते हैं उसमें भी दो पैर होते हैं, ग्लासेस होते हैं उसमें भी दो स्पेक्टिकल्स होते हैं उनमें भी दो डंडे होते हैं, निकर्स में भी दो हाफ पैंट्स होती हैं. तो इन ये जो पहनने की जो चीज़ें होती हैं जिनमें टू लेग्स होते हैं, टू आर्म्स के लिए होते हैं, तो उनके लिए लास्ट में ऐसे ही लगता है, वो कभी भी सिंगुलर नहीं होते. जैसे सीजर्स है, सीजर्स में भी दो 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 पैर होते हैं ना कैची के, वैसे ही प्लायर्स हो गया, चिमटा हो गया, पैंट्स, जीन्स, पायजामा, इधर गेम्स है, फिर बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, ठीक है, सूखा, या फिर न्यूज, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब क्या है? ये ऐसे नाउन्स के एग्जांपल्स हैं जो विदाउट एस यूज नहीं होते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. Till then, bye-bye, take care, good night. And don't forget to answer that GK questions. And today's GK question is, how many union territories are there in India? Thank you.